सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुआ फैंटेसी कोरियन ड्रामा माय डेमन का फर्स्ट एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमन्स असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। सीन कट होता और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह रुक जाती है, सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने से आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं कौन मेरा दोस्त और कौन दुश्मन, पर चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे, गॉड से प्रे कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमन्स के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में गुवॉन आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग डेमन आ गया कहकर भाग जाते हैं। गुवॉन पेडेस्टल के ऊपर चढ़कर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डेमन है। वो यहाँ से जाने ही लगा था तभी एक छोटी बच्ची गुवॉन पे एक क्रॉस फेंक कर मारती है जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं जाती, तो गुवॉन वो क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च से बाहर निकलकर वो एक चुटकी मार के अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के तीन दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इविल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवॉन उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की? वो आदमी कहता है हाँ, पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। गुवॉन कहता है किसने कहा, देखो समंदर में मछलियाँ भरी पड़ी है। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लग जाती है, जो देख वो आदमी हैरान होता है। गुवॉन से कहता है कि मुझे समझ आ गया तुम कोई गॉब्लिन हो, जो सुन गुवॉन तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की। वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। गुवॉन कहता है मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर वो नाइन टेल फॉक्स होगे। गुवॉन कहता है वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि फिर तुम हो कौन। गुवॉन कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ जिसे तुम इंसान एविल स्पिरिट बुलाते हो। जो उस आदमी को बिलीव नहीं होता और कहता है कि शायद मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है, मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उछलते हुए उसकी ओर आ रही है जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे गुवॉन की बात पर बिलीव हो जाता है। कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो। तभी गुवॉन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, उससे कहता है तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा। उसने पर बताता है कि ये डील 10 साल का होगा, 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तो आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या। गुवॉन बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो, पर वो आदमी इतना भूखा था कि वो और कुछ नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिंदगी भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूँ। तो गुवॉन उसके उंगली में सुई चुभा कर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और हमें वॉइस ओवर से बताया जाता है कि डेमन्स इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। तो गुवॉन उसे कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम यानी कि 2023 में, जहां 2023 कोरिया सीओ का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहां हम अपनी फीमेल लीड दोही को देखते हैं जिसे एक बंदा फ्लर्ट करने आ जाता है उसे यहां की वेट्रेस समझकर। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि 2023 कोरिया सीओ का अवार्ड मेरे ग्रुप की सीओ मिस दोही को, जो सुन उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है जहां हमें पता चलता है कि मेरे ग्रुप कोरिया की वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज कंपनी है। सीन कट होता है अगले दिन हमें दोही को दिखाया जाता है जो न्यूज में उनके कंपनी का हाल ही में रिलीज किया हुआ चिलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी मिस शिन को पता करने के लिए कहती है। फिर अचानक वो यहाँ से अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिसमें मिस शिन कहती कि आप ऐसे हमेशा इसे अवॉइड नहीं कर सकती। दोही कहती कि मेरे पास इन फालतू ब्लाइंडर्स के लिए टाइम नहीं है। मिस शिन कहती कि पर इससे मैडम जू बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तभी दोही को मैडम जू का कॉल आ जाता है, जिसे वो ऑलमाइटी जू बुलाती है। तो उनके कुछ कहने से पहले ही दोही पूछते कि क्या आपने चेकअप करा लिया। मैडम जू पूछती क्या तुम्हें मिस शिन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहाँ जाना है। दोही एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है, जो सुन मैडम जू कहती है कि ठीक है फिर मैं अभी अपना इलाज बंद कर देती हूँ, अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप कराने का शौक नहीं है। जो सुन दोही मान जाती है, कहती है कि ठीक है मैं डेट पर जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप करा लेना। जो सुनकर ही मैडम जू कॉल काट देती है और इधर दोही मिशन से पूछती कि आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा। मिशन बताती है बस आधे घंटे तक। तो दोही चली जाती है उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। इधर हम गुवॉन को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, जिसमें से एक घड़ी में 12 बजते ही गुवॉन अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो एक सोना में आराम कर रहा था, बाहर उसके आदमी वेट कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना गुवॉन एंट्री मारता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस गुवॉन की ओर संडाइल फेंक कर भागने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो गुवॉन के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन गुवॉन कहता है कि तुमने डील किया था
अब तुम्हारी डील का टाइमिंग खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी सोल की इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तुम्हें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की लालच में गुओन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो तो गुओन को काफी सारे ऑफर्स देने लग जाता है कि मेरी जगह मेरे सारे गुंडों की आत्माएं ले लो, लेकिन गुओन तो मानने वालों में से नहीं था। इसीलिए माफिया बॉस तो गुओन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी के हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। गुओन उसे गुड बाय कहता है, बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। इतना कहते ही वो मर जाता है। तो गुओन उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं, जो बॉस की हालत देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक ने गुओन को यहाँ से जाते हुए देख लिया था। सीन कट होता है, हमें गुओन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बज चुके थे, यानी कि वो घड़ियाँ इंसानों की लाइफ लाइन थी जिनके साथ गुओन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देन अगले सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट पहुँच गई थी, पर एक वेटर जाकर उसे बताता है कि एक कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है। तो दोही का आज बर्थडे था, इसीलिए उसे लगा कि मैडम जो ने मेरे बर्थडे के बारे में भी उसे बता दिया है। दोही उसे कहती है कि मैं तुम्हारे उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे डाइन डेट के टेबल पर ले जाता है। तो दोही जाके उसके सामने बैठते ही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसीलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा था वो पेपर नीचे करता है, जो कि हमारा गुओन निकलता है, जिसे दोही देखते ही रह जाती है। पर भाई अपना सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम शादी अपने पिलो से करो या फिर अपने काम से मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसे ही किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूंगा। जो सुन दोही थोड़ा चिढ़ते हुए कहते कि क्या हम कभी साथ में स्कूल गए हैं। गुओन रोडली कहता है कभी नहीं। दोही पूछते फिर क्या हमने कभी डेट किया है। गुओन कहता है कोई चांस ही नहीं। तो दोही चिढ़ते हुए कहते कि अगर हम साथ स्कूल नहीं गए ना ही हमने कभी डेट किया तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। गुओन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। जसन दोही को तो बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जू का मैसेज आ जाता है, उस लड़की के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगी। इसीलिए दोही अपने फोन में टाइमर ऑन करती है 30 मिनट का और टेबल पर बैठ जाती है। जो देख गुओन कहता है कि ओ हेलो, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है शांति से खाना खाने के लिए। दोही कहती है अच्छी बात है, पर थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। तो गुओन कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, शहर में और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तुम कहीं और नहीं जा सकती। जिस पे दोही कहती है तो तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता भी होगा उन जगहों के बारे में। कहकर वो तो दूसरी और फेस कर लेती है। इससे गुओन को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, वो मन में कहता है आखिर ये पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी ओर हमें दोही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो दोही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है जब वो 11 साल की थी तभी उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। तब मिराई ग्रुप की चेयरवुमन मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट किया था और अब वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें समझ आता है कि दोही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है और गुओन को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। तो दोनों शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन दोही उसे सवाल करने लग जाती है, जिससे तो गुओन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि शांत नहीं रह सकती क्या, पहले तुमने यहाँ आकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब किया है। जो सुन दोही भी कहती कि मुझे भी यहाँ आने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बस और कुछ मिनट के लिए पोलाइटली रहो और अपना बिहेवियर ठीक करो, अब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। जिस पर गुओन कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी रूड हरकत करी है। दोही कहती है पहले तुमने मुझसे रूडली बर्ताव किया, इसीलिए मैं तुम्हें बस सच का आईना दिखा रही हूँ। देन उसे कहती है कि हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे हम हमारी फैमिलीज को कन्विंस कर सके कि हमारे बीच कुछ भी सही नहीं हुआ। दोही तो खुद ही उसे आइडियाज सजेस्ट करे जा रही थी, पर इसे गुओन तो बड़ा ही इरिटेट हो चुका था। वो दोही से कहता है कि आखिर तुम करने क्या आई हो यहाँ पर और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। दोही कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, मैं बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुओन शॉकिंगली कहता है कि ऊपर वाला। दोही कहती है कि मैं ऑलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना करूँ। गुओन ऑलमाइटी से गॉड समझ लेता है, क्योंकि वो ऊपर वाले का ऑर्डर और ऑलमाइटी से गॉड को समझ लेता है, जिसे वो तो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। तो दोही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसे देती है और गुओन को अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गुओन कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को नहीं देता। इस पर दोही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा, मेरी तरफ पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सके। तो गुओन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, इससे हमें पता चलता है कि वो सुनवॉल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन दोही को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर गुओन तो उसे अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है कि क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में नहीं पता। वो न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और उसे बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, ट्रेडिशनल पेंटर्स, इन सभी को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ता है और आने वाले फ्यूचर के जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो तुम मेरे इस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे नहीं जानती कि तुम्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानना नहीं चाहिए। वही तो उसके लेक्चर से इरिटेट ही हो जाती है। तो उसे कहती कि मुझे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो गुओन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। जो सुन दोही शॉकिंगली पूछते कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गुओन पूछते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दोही कहती कि चलो जब तुमने पूछ लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। गुओन शॉकिंगली पूछता है कि ब्लाइंड डेट। दोही कहती है हाँ, हम दोनों की सेटिंग कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जो सुन गुओन शॉकिंगली कहता है कि क्या गॉड हमें सेट कराना चाहते हैं। जो सुन दोही तो हंसने ही लग जाती है, कहती है कि उन्हें गॉड बुलाना कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जू करके सेव किया है, तुमने तो उन्हें भगवान ही बना दिया। तब गुओन को समझ आता है कि ऑलमाइटी जू एक इंसान
इंसान है। जोसन वो तो हंसने ही लग जाता है, पर फिर कहता है, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसीलिए वो गुवान को गुड बाय कहकर जाने लगती है। और इधर वो गुंडे गुवान की ओर आ रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक वेटर केक लेकर पहुँच जाता है, तो वो गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है जो केक उड़कर दोही के ऊपर गिरने जा रहा था, मगर तभी गुवान आकर दोही को साइड कर लेता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है। दोही तो गुवान को देखने ही लग जाती है, दोनों की आंखें मिलती है और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।